चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो तो मैंने आपको इस लेक्चर में क्या बताया था, अभी जो लास्ट लेक्चर लिया था क्या बताया था उसके अंदर आपको मैंने कि जो अटैच सिस्टम होता है वो तो एक भंडारे की तरह काम करता है और जो सस्पेंडेड सिस्टम होता है वो एक बफे सिस्टम की तरह काम करता है। अटैच सिस्टम में जो मेरे सीवेज पास होता है वो मीडियम के थ्रू पास होता है सीवेज, और जो सस्पेंडेड सिस्टम होता है वहाँ जो सीवेज होता है वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है। ठीक है, अटैच सिस्टम के अंदर बायोमास को अटैच किया जाता है, सस्पेंडेड सिस्टम के अंदर बायोमास सस्पेंशन फॉर्म में होता है। अटैच सिस्टम के अंदर जो एरिया रिक्वायरमेंट, जो लैंड रिक्वायरमेंट, जो लेंथ रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है। सस्पेंडेड सिस्टम में जो लेंथ एरिया रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखो अब आते हैं इसके अंदर, हम बात करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर की। हम बात कर रहे थे ट्रिकलिंग फिल्टर भी एक ऐसा सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर काम आने वाला प्रोसेस है। ठीक है ना, तो देखो एज द वेस्ट वाटर ट्रिकल्स थ्रू द फिल्टर मीडियम, यहाँ पे क्या है जो वेस्ट वाटर ट्रिकल किया जाता है, ट्रिकल मतलब फैलाना। ठीक है ना, ट्रिकल मतलब क्या होता है, फैलाना, फैलाया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रिकल थ्रू द फिल्टर मीडियम, बायोमास ग्रोज ओवर द मीडियम पार्टिकल्स, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो वेस्ट वाटर है वो हमको फिल्टर मीडियम के थ्रू क्या किया जाता है, हमको ट्रिकल किया जाता है। फिल्टर मीडियम आपको बताए थे मैंने फिल्टर मीडियम क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने जब प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट पढ़ाया था, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर सोर्स एंड फिल्टर पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको फिल्टर मीडियम के बारे में बताया था। फिल्टर मीडियम जैसे आपके स्टोन्स हो गए, आपके सैंड हो गई, ठीक है ना, तो वही यहाँ पर है। एज द वेस्ट वाटर ट्रिकल्स थ्रू द फिल्टर मीडियम, बायोमास ग्रोज ओवर द मीडियम पार्टिकल। मैंने क्या बताया, बायोमास क्या होता है मेरा, जिसके अंदर हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ ए बायो प्रोडक्ट है, काइंड ऑफ ए बायो प्रोडक्ट है, जो कि कहाँ से जनरेट होता है, जब मेरा माइक्रोऑर्गेनिज्म कार्बन कंज्यूम करता है, जब मेरा माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कार्बन कंज्यूम करता है, ठीक है, तो क्या होता है, एज ए बायो प्रोडक्ट, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट जनरेट करता है, उसको हम बायोमास बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर हम ऑर्गेनिक, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एरोबिक रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो मेरा बायो प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा। ठीक है ना, और जब हम बात करेंगे एनारोबिक की, वहाँ जो बायो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो एनारोबिक के अंदर जो मेरा बायो प्रोडक्ट होता है या फिर मेरा बायोमास होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो मेरा क्या होता है, बेसिकली एसिड एंड अल्कोहल्स। लेकिन जब एरोबिक के अंदर बात करते हैं तो मेरा बायो प्रोडक्ट क्या होता है, काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। ठीक है ना, कह सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने वेस्ट वाटर को ट्रिकल किया फिल्टर मीडियम के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हुआ, बायोमास बढ़ने लग गया, क्योंकि वहाँ पर उसको कार्बन मिलने लग गया। बायोमास ग्रोज ओवर मीडियम पार्टिकल्स नॉर्मली विद इन 2 to 3 weeks। ठीक है ना, मतलब बायोमास को ग्रो करने के लिए कम से कम 2 to 3 weeks लग जाते हैं। ठीक है ना, बायोमास ग्रो करने में कम से कम यहाँ से 2 to 3 weeks लग जाते हैं। द फिल्टर रेडी फॉर द ऑपरेशन, जिससे क्या होता है, मेरा फिल्टर क्या होता है, वो क्या होता है, रेडी होता है। तो बेसिकली जब मैंने वेस्ट वाटर को मेरे मीडियम पार्टिकल के ऊपर ट्रिकल किया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा जो बायोमास है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, और इस ग्रोइंग पीरियड का टाइम होता है मेरा 2 to 3 weeks, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा जो फिल्टर मीडियम है वो क्या होता है, तैयार होता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, आगे चल बात करते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन बायोमास लेयर, मैंने पहले बताया था कि बायोमास लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्टेक्ट में आएंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ऑपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन बायोमास लेयर कम्स विथ कॉन्टेक्ट विथ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर लीडिंग टू इट्स डीकम्पोजिशन। ठीक है ना, लीडिंग टू इट्स डीकम्पोजिशन, ये लीडिंग लिखा हुआ है, लीडिंग टू इट्स डीकम्पोजिशन फर्दर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन बायोमास बनाएंगे। मैंने क्या बोला, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज कर रहे हैं, जब डीकम्पोज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कार्बन था उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन को कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी जो भी बच गया वो मेरा क्या हो गया, बायोमास बच गया। ठीक है, जिसको वापस से हम क्या करते हैं, विच अगेंस्ट गेट अटैच्ड ओवर द मीडियम पार्टिकल। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मेरा पूरा ऑर्गेनिक मैटर, पूरा डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होता, हो जाता किसके थ्रू, किसके थ्रू डिकम्पोज नहीं हो जाता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो बायोमास लेयर होती है, ठीक है, जब वो ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेक्ट में आती है या उसको लाया जाता है, क्योंकि अटैच्ड सिस्टम है तो उसको लाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
जो मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, वापस से क्या बनता है, बायोमास बनता है, ठीक है, उस बायोमास को वापस से क्या कर दिया जाता है, मीडियम पार्टिकल के साथ अटैच कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि मेरा पूरा यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है बायोमास से पूरी तरीके से डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर, देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द थिकनेस, अब समझना अच्छे से, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एज द थिकनेस ऑफ बायोमास इंक्रीजेस, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एज द थिकनेस ऑफ बायोमास इंक्रीजेस पेनिट्रेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इज लिमिटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे मेरा क्या बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, जो बायोमास की थिकनेस है, जो मेरा बायोमास है उसकी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब नो डाउट जब मेरे बायोमास की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी तो मेरे जो फूड था, जो मेरा अगर फूड था और ऑक्सीजन थी, ठीक है ना, वो मेरे प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा फूड क्या है, बेसिकली यहाँ पर मेरा फूड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर मेरा फूड है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर बायोमास मेरा इंक्रीज हो गया, बायोमास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, मेरा बिल्कुल बढ़ गया, उसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो मेरा जो फूड था, मेरा जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो मेरा वेस्ट वाटर था और ऑक्सीजन था, वो मेरे अच्छी तरीके से अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो समझते हैं, देखो आप समझना अच्छे से, देखो आपके सामने डायग्राम शो करता हूँ, डायग्राम से और क्लियर होगा। देखो ये डायग्राम है, देखो ये मेरा पीएसटी से क्या आ रहा था, यहाँ पर देखो ये ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, यहाँ पर आया जा रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये जो बना रखा है इस चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो चारों तरफ बन रही है, ये क्या है, इसकी स्लाइम लेयर है, ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे कैसे बनती है। और जो ये गोला बना रखा है, ये क्या है, मेरा मीडियम पार्टिकल, देखो इसको मैंने यहाँ दिखा रखा है, दैट इज मीडियम पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इस मीडियम पार्टिकल के ऊपर एनारोबिक कंडीशन भी है और एरोबिक कंडीशन भी है। एरोबिक कंडीशन नो डाउट ऊपर होगी क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहा होगा, एनारोबिक कंडीशन नीचे होगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिकली ऊपर से क्या आ क्या रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, वेस्ट वाटर मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, या फिर इसको हम क्या बोले, फूड आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, या फिर ऑक्सीजन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास फूड आ रहा है और ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या है इसके अंदर, एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा यहाँ पर जो मेरा बायोमास था, वो बहुत ज़्यादा हो गया, बायोमास था वो क्या हो गया, बहुत सारा हो गया। देखो ये मीडियम पार्टिकल था, इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये बायोमास हो गया, मीडियम पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो गया, मेरा बायोमास प्रेजेंट हो गया। अब बायोमास प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया, मीडियम पार्टिकल और बायोमास के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो क्या हो गई, टूट गई। देखो भाई लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज से क्लियर होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द थिकनेस ऑफ बायोमास इंक्रीजेज पेनिट्रेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इज लिमिटेड, मतलब जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, बायोमास की थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। थिकनेस क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन एक नुकसान वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, ये है जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरा बायोमास है जो कि मेरा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उसकी थिकनेस क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो नो डाउट जब इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पर, तो जो पेनिट्रेशन है मतलब जो मेरा वेस्ट वाटर आ रहा है और ऑक्सीजन जो मेरी सराउंडिंग से आ रही है वो क्या हो जाएगी, वो मेरी आनी बंद हो जाएगी। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, पेनिट्रेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन द अपर लेयर ऑफ स्लाइम। अपर लेयर ऑफ स्लाइम मतलब क्या हो गया, इसको बताता हूँ मैं आपको डायग्राम से। अपर लेयर ऑफ स्लाइम मतलब जो मेरा मीडियम पार्टिकल था, ये मेरा मीडियम पार्टिकल है, इसके चारों तरफ ये देखो, ये एक स्लाइम की लेयर होती है, देखो ये लेयर, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। इसके अंदर ऊपर जो रिएक्शन चलती हैं वो तो चलती हैं एरोबिक, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। और जो नीचे चलती हैं वो चलती हैं कौन सी, एनारोबिक, क्योंकि वहाँ पर नीचे क्या होता है, ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। और इस पार्टिकल के ऊपर ये लेयर बनी होती है जिसके अंदर मेरा फूड और ऑक्सीजन आ रहे होते हैं, फूड मतलब मेरा वेस्ट वाटर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ मेरा, आगे क्या हुआ यहाँ पर, मीडियम पार्टिकल के चारों तरफ बायोमास की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब जो मीडियम पार्टिकल था और जो स्लाइम लेयर था उसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग टूट जाएगी।